नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर जातिका जो है वो जानना चाहती है कि उसका पति धनवान प्राप्त होगा, ऐसे किस तरह से योग हम मेरी कुंडली में हो सकते हैं, उसको कैसा देखा जा सकता है, तो वो जानने के लिए हमें जब भी कुंडली का जो है लग्न भाव, ये जातिका की कुंडली है, और अगर जातिका कुंडली का लग्न भाव को देखेंगे और उसके सप्तम भाव पर प्रभाव देखेंगे, तो इस तरह अगर लग्न कुंडली में जो भी जातिका है, अगर शुभ ग्रह जो है होते हैं, जैसे चंद्र है, बुध है, गुरु या शुक्र, अगर वो उपस्थित हो और वो आपकी कुंडली में, जैसा चंद्रमा उच्च का हो, सौ राशि का हो, बुध उच्च का हो, सौ राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, गुरु उच्च का हो, सौ राशि का हो, या शुक्र जो ग्रह है वो आपकी कुंडली में उच्च का हो, सौ राशि का हो, तो ऐसा जातिका जो है उसको धनवान पति प्राप्त होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बृहस्पति सौ राशि का है, इस तरह से आप देख सकते हैं शुक्र भी यहाँ पे उच्च का हो जाता है, तो इंडिविजुअल भी होगा, अगर बृहस्पति सौ राशि का है या उच्च का है तो भी उसको धनवान पति प्राप्त होगा। ऐसे ही शुक्र भी जैसे यहाँ पे उच्च का हो गया है आपकी कुंडली में, इस तरह का होगा तो भी आपको धनवान पति प्राप्त होने का योग बन जाता है, क्योंकि इस तरह से जिस अगर बुध भी आपका मान लो यहाँ सौ राशि का हो, आपकी कुंडली में उच्च का हो, तो भी आपको धनवान पति प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। तो ये सरल सा सुंदर सा एक फार्मूला है, अगर ये कुंडली में आपके बन रहा है तो आप जान सकते हैं कि आपको जो भी पति प्राप्त होगा वो धनवान होगा। और इस तरह से आप अपने कुंडली में देख लें, तो हमने जो बताया कि अगर आपके जो भी कुंडली हो उसमें जिस तरह से हमने बताया है कि यहाँ जैसे 12 नंबर की राशि में बृहस्पति सौ राशि का होता है, ऐसे ही मान लो बुध यहाँ 6 नंबर का हो तो वो सौ राशि का हो जाएगा, शुक्र भी 2 और 7 नंबर हो तो वो सौ राशि का होगा, फिर देख सकते हैं कि वही बुध आपका उच्च का हो, शुक्र उच्च का हो, तो वो भी आपको धनवान पति प्राप्त होगा। और इस पे ये होगा कि आपको जो भी है लग्न भाव पे दूसरे ग्रहों का, पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उनकी युति नहीं बनी हो और दृष्टि भी नहीं होना चाहिए शनि की और राहु या केतु की, ऐसी ग्रहों की दृष्टि नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपने आज जाना कि किस तरह से जो भी जाति का है अपने कुंडली में देख सकते हैं कि उसे धनवान पति प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो ये सरल सा हमने बताने की कोशिश की, जो भी जाति का है अपनी कुंडली में, जो हमने सरल से सूत्र बताए हैं वो आप देखिए, आपको सिर्फ ये देखना है, बाकी चीजें मत देखिए, बस ये देखिए कि आपके लग्न भाव में इस तरह का प्रभाव हो। तो हम इस तरह अगर आपकी कुंडली में भी योग बन रहे हैं तो आपको मान लीजिए कि धनवान पति का सुख प्राप्त होगा। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने मेरा आपको टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपका वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छी लग रही है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज आपने मेरा वीडियो भी देखा, लाइक भी किया, शेयर भी किया, चैनल भी सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जातक और जातिका को जो भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसको आप नवांश कुंडली में भी जितने अच्छे प्रभाव उस तरह के होंगे और तिशांश कुंडली में भी जितने अच्छे प्रभाव होंगे, तो
तो वो जो भी हमने योग बताए हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, और जितने ज्यादा योग वहाँ पे भी अच्छे बनेंगे तो आपको जातक और जातिका को, आपका पति सुख, पत्नी का सुख, उनका परिवार अच्छा और प्रतिष्ठित प्राप्त होगा।